आज मैं जा रहा हूँ कैपिटल ऑफ बिहार पटना। कि हमारी वीडियो रेगुलर ये देखते हैं, ऑर्डिनरी खटारा गाड़ियां होती है वो भी वालों को क्रॉस करके चलती बन रही है। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम सौरभ राजपूत ऑफ फ्रीडम एडवेंचर। गुड इवनिंग फ्रॉम कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। सो पेश है एक और नया सफर, एक और नई बस जर्नी, और आज मैं जा रहा हूँ कैपिटल ऑफ बिहार पटना इन BSRTC वॉल्वो बस। BSRTC बोले तो बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हेड ऑफिस है इनका पटना में। बाकी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे ये तो जानने को नहीं मिला कि बस की फ्लीट इनके पास कितनी मौजूद है, ना विकिपीडिया पे जानने को मिला, बट ये जरूर जानने को मिला कि इंटरसिटी और इंट्रासिटी को अगर मिला दे तो करीबन 100,000 पैसेंजर को ये डेली अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और बात करें स्पेसिफिकली पटना जाने वाली BSRTC वॉल्वो बस का, तो ये चलती है कौशाम्बी बस स्टैंड से, लेकिन अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस बस को सर्च करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाने वाला है दिल्ली से, क्योंकि कौशाम्बी बस स्टैंड जस्ट आनंद विहार बस स्टैंड के साथ में पड़ता है, तो दिल्ली यूपी का बॉर्डर लग जाता है। तो इस वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बस आपको कहीं ना कहीं दिखाता है दिल्ली से। बाकी पटना जाने वाली इस BSRTC वॉल्वो सर्विस के बारे में अगर और बात करें तो आपको बता दूं कि हफ्ते में 3 दिन चलती है वॉल्वो की सीटर बस और 3 दिन चलती है वॉल्वो स्लीपर बस। तो जी मुझे तो आज निकलना था इसलिए मुझे वॉल्वो की सीटर बस मिली, लेकिन अगर आप स्लीपर में ट्रैवल करना चाहते हो तो वॉल्वो स्लीपर बस का ऑप्शन भी इस रूट पे BSRTC द्वारा अवेलेबल है। बाकी अभी मैं मौजूद हूँ कौशाम्बी बस स्टैंड के काउंटर नंबर 16 पे, जहाँ से हमारी बस होनी है प्रस्थान। और कौशाम्बी का ये गवर्नमेंट बस स्टेशन जस्ट आनंद विहार बस स्टैंड के अपोजिट में पड़ता है, तो अगर आप आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से कौशाम्बी बस स्टैंड की तरफ आ रहे हो तो आपको बता दूं कि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से एक रास्ता निकलता है आनंद विहार की तरफ और फ्लाईओवर क्रॉस करके दूसरा रास्ता निकलता है कौशाम्बी गवर्नमेंट बस स्टैंड की तरफ, जहां पे अभी मैं मौजूद हूं। ये सामने खड़ी है अपनी BSRTC की वॉल्वो सीटर बस, जो कहीं ना कहीं हमें लेके जाएगी कौशाम्बी टू पटना। जर्नी के बारे में और बात करें तो कौशाम्बी से पटना का डिस्टेंस रहने वाला है करीबन 1050 यानी 1050 किलोमीटर। बस की टिकट अवेलेबल है सभी लीडिंग बस टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पे। बस यहाँ से रवाना होगी शाम को करीबन 5 बजे और पटना गांधी मैदान हमें उतार देगी दिन में कल 12:30 बजे। तो जी बस हमारी ऑलरेडी काउंटर पे लग चुकी है, मैं करूँगा बस में बोर्ड और निकलूँगा पटना की तरफ, लेकिन आपको बताएगी आपको कहीं नहीं निकलना होगा क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी कौशाम्बी टू कैपिटल ऑफ बिहार पटना। She got that sweet juice, Minute Maid, some of that lemonade, take a sip, blowing purple clouds, tastes like lemon haze, conversations back and forth like damn we could go on for days, looking back at it like damn she bad when she walk away, here we go, been down this road, they already know, when we go on tour I'll take you anywhere you wanna go, people talk about us like they understand just what this is, I just wanna give you all you want and then to double it, they all say I'm way too young, maybe I'm just ignorant, I won't find nobody like you on some real shit, spend a couple hours on the phone. तो ये फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है। बात करें बस की तो बस है वॉल्वो B11R और एज यूजुअली वॉल्वो का सफ़र है, तो वॉल्वो का सफ़र रहता है आरामदायक क्योंकि एयर सस्पेंशन मिलता है, तो सफ़र करते हुए पता ही नहीं चलता है कि सफ़र कब ख़त्म हो जाता है। बाकी एज यूजुअल सभी वॉल्वो की तरह सारी सीटें रहती हैं पुश बैक, और बाकी बस यार अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी है BSRTC की वॉल्वो B11R। सोचा नहीं था कि इतनी साफ़ सुथरी वॉल्वो अंदर से मिलेगी, लेकिन बहुत बढ़िया वॉल्वो के अंदर से मेंटेनेंस करी है, क्योंकि क्या रहता है ना स्टेट ऑन जितनी भी बसेस रहती है उनमें यार मेंटेनेंस का थोड़ा सा पंगा रहता है, लेकिन BSRTC की ये वॉल्वो B11R बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन और फुली मेंटेन है। ऊपर आपको मिल जाता है लगेज रखने का छोटे वाला कंपार्टमेंट, बाकी जो मेन कंपार्टमेंट है वो मिलता है नीचे, सारी सीट रहती हैं एज यूजल पुश बैक, यहाँ से बटन दबाओ और सीट को पुश बैक बना लो, चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं और CCTV की सर्विलेंस और एक LED TV स्क्रीन आपको सामने मिल जाती है। सीटें तो सारी पुश बैक हैं लेकिन थाई रेस्ट इस वॉल्वो में मौजूद नहीं है, बाकी फुट रेस्ट आपको मिल जाता है, यहाँ मैगजीन होल्डर मिल जाता है, बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है, कर्टेन सारी सीटों पे दिए गए हैं, बाकी एक हैमर यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको इमरजेंसी एग्जिट करना पड़े तो हैमर की मदद से आप इमरजेंसी एग्जिट कर सकें। बाकी इधर आपको मिल जाते हैं रीडिंग लैंप, AC के ब्लोअर्स। बाकी टाइम हो गया अभी 4:50, बस में बोर्ड ऑलरेडी कर लिया है, अभी देखते हैं कि कितनी देर में हमारी है BSRTC की वॉल्वो B11R रवाना होती है पटना के लिए। तो जी टाइम हो गया 5:20 और फाइनली अपनी बस प्रस्थान कर चुकी है कौशाम्बी बस स्टैंड से।
तो जी कौशाम्बी से निकल के हम पहुँचे NE3 यानी नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिसको बोला जाता है, और NE3 पे एक डाइवर्जन लेके अभी हम आ गए हैं नोएडा में, क्योंकि यहाँ से हम निकलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। तो भाई साहब नोएडा में जाम देखो, दिल्ली NCR के एरिया में ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो दिल्ली हो, मतलब रात में इतना तगड़ा जाम लगता है ना, मतलब एक बार निकल गए तो समझ लो कि पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। तो ये भी हम एंट्री कर गए हैं ग्रेटर नोएडा में, और इसके बाद अब हम एंट्री करेंगे कहीं ना कहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे। बस अभी रुकी है फ्यूलिंग के लिए, जगह है जेवर, और यमुना एक्सप्रेस वे से एक छोटा सा डाइवर्जन लेके जेवर टोल प्लाजा के निकट ही अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, और डीजल वगैरह यहाँ पे भरवाया जा रहा है। और एक चीज़ तो है, जब से हमने वॉल्वो की नई बस में ट्रैवल करना स्टार्ट करा है ना, तो अब इस वाली बस का जो कम्फर्ट है ना वो थोड़ा सा कम लगने लगता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, वॉल्वो की जितनी भी नई बसें जा रही, चाहे वॉल्वो 13.5 मीटर B8R हो या फिर वॉल्वो 9600 हो, उसमें जो सीट्स का जो कम्फर्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, उसकी सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अब जो इसकी सीट है ना, पुरानी वॉल्वो B11R या फिर पुरानी वॉल्वो B8R, इनकी सीट अब थोड़ी थोड़ी ना हार्ड लगती है। बाकी एज सच हार्ड सीट है नहीं, बट नई वॉल्वो में ट्रैवल कर लिया तो होता है ना कि नई चीज़ आपको पसंद आ गई तो पुरानी थोड़ी सी उसके सामने फीकी लगने लगती है, तो बस वही वाली बात है। तो इधर मौजूद है हमारे बस के कंडक्टर साहब, क्या नाम है सर आपका? राजू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में। कहाँ से? अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अपना पूरा जो जर्नी है दिल्ली से पटना तक, उसमें कितने रुपए तक का डीजल डल जाता है? रुपए बता दीजिए या फिर लीटर बता दीजिए। 30-32 हज़ार का डीजल। अच्छा, 30-32 हज़ार के आसपास डल जाता है। चलो जी, कंडक्टर साहब बता रहे हैं 30-32 हज़ार वन साइड से ना, एक साइड से डीजल इसमें डल जाता है। और इधर मौजूद है हमारे बस के ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब नंबर वन, ड्राइवर साहब नंबर टू। सर आपका क्या नाम है? अमनदीप। सर आपका नाम? संजीत जा। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, बस का अपना रूट क्या रहता है? हमारा रूट रहता है लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से गोपालगंज, गोपालगंज से हाजीपुर पटना। अच्छा, अभी रात की जर्नी है तो मैंने कहा आपको ड्राइवर साहब से मिलवा दें, क्योंकि रात में तो फिर दिखा नहीं पाते, और ना दिखाएं तो फिर भाई साहब व्यूअर्स ये बोलते हैं कि आपने बताया नहीं कि यार एक ड्राइवर थे, दो ड्राइवर थे। तो नेपाल की ट्रिप पे जब मैं गया था, मैं ये बताना भूल गया था कि भाई साहब बस में दो ड्राइवर साहब मौजूद है, और कमेंट सेक्शन में जो मुझे बंदों ने कमेंट करे कि भाई साहब एक ड्राइवर इतनी लंबी जर्नी कैसे कर सकता है, तब मुझे स्पेशली उनको कमेंट कर करके बताना पड़ा कि भाई साहब एक ड्राइवर नहीं था, दो ड्राइवर थे। तो मैंने सोचा कि आपको बता दें, लंबी जर्नी और पूरी जर्नी में रहने वाले हैं दो ड्राइवर। तो जी अभी फ्यूलिंग हो रही है, फ्यूलिंग होती है फिर उसके बाद निकलते हैं सफर पे। भाई साहब इधर हमारे मिल गए हैं कुछ व्यूअर्स, भैया ने बताया कि हमारी वीडियो रेगुलर ये देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आरिफ खान। और आपका भैया? समय। हाँ वैसे बता दूँ, ये पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं। चलो ठीक है भैया, ओके, अच्छा लगा आपसे मिलके। बज के 40 मिनट पे हमने एंट्री ली थी यमुना एक्सप्रेसवे पे, और 2 घंटे 40 मिनट की जर्नी करने के बाद अभी हमने यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस कर लिया और हम पहुंच गए हैं आगरा। और आगरा में अभी खाने के लिए बेसिकली होल्ट लिया गया है, रेस्टोरेंट का नाम है व्यंजन ढाबा। तो ये कुछ मेन्यू है, और जी इस मेन्यू में से मैंने ऑर्डर करा है
राजमा चावल। राजमा चावल खाने का मन कर गया मेन्यू देखते ही, और राजमा चावल के साथ मैंने ऑर्डर दिया है वेज रायते का। बाकी जी बात करें सफ़र की, तो सफ़र अभी तक बहुत स्मूथ चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो सफ़र हमारा रहा है वो एक्सप्रेस वे पर रहा, और बाकी यमुना एक्सप्रेस वे की तो क्या ही कहने, 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, लेकिन पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे है ही इतना स्मूथ। खाना वाना खा लिया, राजमा चावल ओके ओके थे, लेकिन रायता भाई साहब एक नंबर बना रखा था। और बाकी बात करें आगरा की, तो जैसे ही आगरा में एंटर हुए ना, वैसे ही पंछी पेटे की दुकानें दिखाई देना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ताजमहल के बाद दूसरी जो सबसे फेमस चीज़ है ना आगरा में, वो है पंछी पेटा। अगर कोई तीसरी चीज़ है तो कमेंट करके मुझे बता दो। वैसे मुझे पता है कि आपका कमेंट क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप कमेंट करो कि आगरा में और क्या चीज़ फेमस है, और अगर कोई आगरा से वीडियो देख रहा है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो जी खाना वाना हो गया, बाकी लोग जैसे खाना खा के आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। जी फाइनली अभी हमने एंट्री कर ली है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लेंथ है करीबन 302 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट को कहीं ना कहीं ये क्रॉस करता है, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, उन्नाव, कन्नौज और लखनऊ। टाइम अभी हो गया 3 AM और हम पहुंच गए हैं नवाबों के शहर, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, और अभी मैं मौजूद हूं आलमबाग बस स्टैंड के जस्ट बाहर, और यहां पे कुछ पैसेंजर वगैरह उतर रहे हैं, तो उस चक्कर में अभी बस रुकी हुई है। एक्चुअली क्या है कि इनका सामान वगैरह नीचे से निकाला जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जी टाइम हो रहा है सुबह के 5, और बस रुकी है अभी मोहम्मदपुर कीरत डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी उत्तर प्रदेश। रेस्टोरेंट का नाम है दिवेश रेस्टोरेंट एंड ढाबा, जहाँ पे अभी हॉल्ट लिया गया, बेसिकली ब्रेकफास्ट और फ्रेशन अप होने के लिए ये हॉल्ट लिया गया है। बाकी सफ़र की बात करें तो इस बार सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे पेट में दर्द अचानक से कल शाम को स्टार्ट हो गया था, कभी हो रहा था कभी रुक जा रहा था, कभी लखनऊ से चलने के बाद बीच में रुक गया था, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, अभी हॉल्ट लिया है। सोचा था कि कुछ खा लूँगा सुबह जब रुकेगी, बट अभी पेट दर्द हो रहा था, कुछ खाने का सच मन कर नहीं रहा। तो देखो जर्नी के दौरान ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। बाकी सफ़र के दौरान बस जो भरी है, बस में जो भीड़ भड़का हुआ है ना भाई साहब, मतलब एक तो पैसेंजर सीट से ज़्यादा मेरे ख्याल से बिठा लिया गया है ऊपर से, और उनके पास जो लगेज है भाई साहब भर भर के लगेज लेके आ रखे हैं, नीचे का लगेज कंपार्टमेंट पूरा भर चुका है, ऊपर बीच बीच में सामान रखा हुआ है, और इवन कुछ सवारियां तो ड्राइवर के आसपास भी बैठी हुई हैं, मतलब 3-4 सवारी तो अप्रोक्सीमेट है। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, और बाकी अपने साथ जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, तो सवारी वगैरह भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके आती हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। बस रुकी है अभी गोरखपुर क्रॉस करके मधुपुर नाम की जगह पे, और आज की जर्नी से ना एक सीख मिलती है कि भाई साहब जर्नी पे कभी निकल लो ना, सारी की सारी मेडिसिन कैरी करके लेके चलो। तो एक मेडिसिन नहीं थी सिर्फ, और वही प्रॉब्लम हो गई पेट दर्द की, लेकिन कोई बात नहीं, जर्नी स्टार्ट करी तो जर्नी को ख़त्म तो करना ही है, ब्लॉग तो बनाना ही
है। बाकी बात करें पटना पहुंचने तक की, मुझे लगता है कि यार हम पटना पहुंचते पहुंचते लेट हो जाने वाले हैं, क्योंकि बस काफी जगह बीच में लोगों के फ्रेश वगैरह होने के लिए रुकी है। और दूसरा रीजन ये है कि बस की जो स्पीड है वो 80 पे लॉक है, तो इवन जो ऑर्डनरी गाड़ियां हैं ना वो भी हमारी वॉल्वो को क्रॉस करती हुई चलती बन रही है। वैसे आपको बता दूं कि इंडियन हाईवे और एक्सप्रेसवे पे जो लिमिट रहती है बसेस की वो 80 किलोमीटर पर आर की ही रहती है, और स्टेट ऑन बसेस में ना ये स्पीड लॉक रहती है 80 तक। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी जरूरत पड़ती है कि जब बस को थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ता है तो वहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड बस की लॉक है, और नॉर्मल जो ऑर्डनरी खटारा गाड़ियाँ होती है वो भी वॉल्वो को क्रॉस करके चलती बन रही है। तो जी अभी ढाबे पर रुके, ढाबे का नाम है फौजी ढाबा। तो मैं तो कुछ खा नहीं रहा हूँ क्योंकि पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब सोच रहा हूँ कि पटना चल के ही कुछ खाएंगे। टाइम हो गए 11 और अभी हम पहुंच गए हैं बिहार के बॉर्डर पर। बिहार में दारू बंद है इसलिए अच्छा, चेकिंग होती है। दारू की चेकिंग होती है स्पेशली? हाँ स्पेशली दारू की चेकिंग होती है। अच्छा। कुछ और भी पकड़ा गया तो बहुत अच्छा। ये बिहार के बॉर्डर पर अच्छी खासी चेकिंग होती है, खास करके चेकिंग होती है वो होती है अल्कोहल की, क्योंकि बिहार में अल्कोहल है बैन और पकड़े जाने पर होता है जुर्माना। तो अभी बॉर्डर पर चेकिंग वेकिंग हो रही थी, अभी चेकिंग वेकिंग करवा के बस निकल गई है। सर एक चीज़ तो है, बिहार बॉर्डर पर बाकी गाड़ियों की ना चेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही थी, लेकिन अपनी गाड़ी में उतनी कोई खास चेकिंग हुई नहीं क्योंकि बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की गाड़ी है, इसलिए इसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। वैसे भी जब हम बस में बोर्ड हुए थे तो थोड़ी सबके बैग वगैरह चेक हुए थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा रिलीफ अपनी बस को मिल गया। लेकिन अभी बॉर्डर क्रॉस करा है और यहाँ पर बस रुक गई है बीच में। जैसे मैं आपको बता रहा था कि पैसेंजर्स यार सामान बहुत ज़्यादा लेके आ रखे हैं, तो अभी गोपालगंज आने वाला है तो उसी का सामान वगैरह सेट कर रहे हैं ताकि वहाँ पर ज़्यादा टाइम खराब ना हो। और ये सामने चेकआउट करो, बिहार के खेत खलियान वाले हरे भरे नज़ारे। तो सामने किसान उधर देखो, कई किसान उधर लगे हैं और वो फसल वगैरह में काम कर रहे हैं। तो जी करीबन 24 घंटे और 1050 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया हूं गंगा किनारे बसे एक शहर पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार में। और भाई साहब यहां पहुंचने को टाइम था, मतलब गांधी मैदान पटना पहुंचने को टाइम था वो था 12:30 बजे, लेकिन बस यहां पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो गई कि 5:30 बज गए हमें यहां पहुंचते पहुंचते। चलो कोई नहीं जी, देर आए दुरुस्त है। तो अगर आप भी दिल्ली से पटना का ये सफर कर रहे हैं BSRTC की वॉल्वो में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 12:30 की जो टाइमिंग दिखाई हुई है ना उस टाइम पे बस नहीं पहुंचती, क्योंकि मैंने बस के ड्राइवर साहब से पता करा तो उन्होंने मुझे बताया कि 4:30, 5:30 इतना टाइम हो जाता है पटना पहुंचते पहुंचते। सो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और पता ही खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर दिल्ली से पटना बिहार की बस जर्नी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।